हेलो स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे हैं एचसीवी चैप्टर 3 काइनामेटिक्स एक्सरसाइजेस का। यह है क्वेश्चन नंबर 24, जो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको यदि मालूम है इसका सॉल्यूशन तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं, पर है बहुत इंपॉर्टेंट, कई सारे एग्जाम्स में पहले पूछा जा चुका है। तो जिन बच्चों को इसमें कुछ प्रॉब्लम है वो इस वीडियो को पूरा पूरा देखें। क्या बोल रहे हैं, बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए बैलून गोइंग अप एट अ स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड। एक बैलून है जो 7 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर जा रहा है। इफ द बैलून वॉज एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग द बॉल, हाउ लॉन्ग विल द बॉल टेक इन रीचिंग द ग्राउंड। उस ऊपर जाते बैलून से एक बॉल को ड्रॉप किया है, और जिस इंस्टेंट पर बॉल को ड्रॉप किया उस इंस्टेंट पर उस बैलून की हाइट ग्राउंड से कितनी है, 60 मीटर। हमको बताना है उस बॉल को ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो यह है वो बैलून 7 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, और जिस इंस्टेंट पर इस बॉल को इस बैलून से डिटैच किया या ड्रॉप किया है, तब बैलून की हाइट ग्राउंड से है 60 मीटर। तो बस इसमें जो कंसेप्ट लग रहा है इस क्वेश्चन में वो ये कि पहले बैलून और बॉल मिलकर एक सिस्टम थे, दोनों 7 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहे थे। जिस समय ये बॉल, जिस इंस्टेंट पर ये बॉल डिटैच होगी इस बैलून से, उस समय जो बैलून की स्पीड होगी वही होगी इस बॉल की स्पीड। अब बैलून कितने से ऊपर जा रहा है, 7 मीटर पर सेकेंड से, ये बॉल भी डिटैच होने के बाद 7 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रही होगी। अब इस बैलून को भूल जाओ, अब ये मोशन अंडर ग्रेविटी की का प्रॉब्लम हो गया। एक ऑब्जेक्ट है जिसको 7 मीटर पर सेकेंड से 60 मीटर की हाइट से ऊपर प्रोजेक्ट किया है, हमको बताना है इसको ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि पहले बैलून और बॉल दोनों एक ही सिस्टम थे, और जब इस बैलून से बॉल डिटैच हुई तो उसके पास एक्सेलरेशन की कोई मेमोरी नहीं होगी। हालांकि यहाँ पर तो बैलून कॉन्स्टेंट स्पीड से जा रहा है, उसमें कुछ एक्सेलरेशन भी यदि होता और बॉल डिटैच होती तो बॉल के पास एक्सेलरेशन की कोई मेमोरी नहीं होती, पर वेलोसिटी की मेमोरी होती है। वो उसी वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। बस इतनी सी बात यदि समझ में आ जाती है तो बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा हुआ। अब क्या करेंगे, अब मोशन अंडर ग्रेविटी के कंसेप्ट लगाएंगे। हम ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव रिगार्ड कर लेते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी का कोई भी सवाल हो तो पहले साइन कन्वेंशन कुछ अडॉप्ट कर लेना चाहिए। हमने मान लिया कि ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव है, क्या क्या हमको मालूम है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी, उसका डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन भी पता है, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और कौन सी इक्वेशन लगाकर हम टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं, हमको लगाना पड़ेगी ये इक्वेशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब S कितना, S मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ये बॉल यहाँ थी और ग्राउंड तक आने में वो 60 मीटर डिस्प्लेस हुई है, और डिस्प्लेसमेंट का साइन क्या होगा, तो ऊपर की डायरेक्शन प्लस मानी है, मतलब ये हो जाएगा -60। -60 इज इक्वल टू यू टी, इनिशियल वेलोसिटी है 7, टाइम हमको फाइंड करना है, तो ये हुआ 70। एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा -g। क्यों -g, क्योंकि एक्सेलरेशन तो नीचे होता है और नीचे की डायरेक्शन होगी माइनस, मतलब -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हमको यहाँ लेना पड़ेगा। तो -half 9.8 × t² तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। उसके दो रूट्स आएंगे, उनमें से नेगेटिव रूट को हम इग्नोर कर देंगे, पॉजिटिव वाला रूट ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, 4.9 हो जाएगा, और इसको इधर ले आए हम LHS में, तो 4.9 t² -70 -60 = 0। तब t कितना हो जाएगा, फिर t = -b + -b² मतलब 49 -4ac, 4a और c क्योंकि नेगेटिव है तो ये प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व जरूर करना, आप इसको इग्नोर मत करना, क्योंकि यहीं आकर बच्चे फंसते हैं, पहले तो यहीं फंसेंगे। साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यूज डालने में हमारी हमको दिक्कत होती है, और फिर ऐसा कुछ कैलकुलेशन आ जाए
तो फिर हम सॉल्व ही नहीं करते उसको। और सॉल्व करना ये मैथ्स है, ये मेरा काम नहीं है, ये आपको ही करना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा उसके साथ। तो रूट के अंदर ये सब आप जब सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई 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 वगैरह, तो 1225 आएगा। ये 1225 मतलब टी इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 1225 अपॉन 9.8। 1225 का रूट होता है 35, 35 अपॉन 9.8। और ये माइनस वाला तो लेंगे नहीं रूट, हमको तो पॉजिटिव रूट ही लेना है। 35 और 7 42 हो जाएंगे, 42 अपॉन 9.8। तो 9.8 को यदि आप 10 अज्यूम कर लें तो 4.2 वगैरह कुछ आंसर आने वाला है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आने वाला है 4.28, 4.28। और पीछे बुक में इसका आंसर दिया हुआ है 4.3 सेकेंड। तो आपने सवाल को अच्छे से समझ लिया होगा, इन वैल्यूज से मत घबराओ। एग्जाम में यदि आएगा तो ऐसी वैल्यूज होंगी जो इजीली सॉल्व हो जाएंगी। और कोशिश करो कि स्क्वायर रूट्स आपको पता हो। जैसे यहां तक पहुंचने के बाद आपको 35 होता है इसका स्क्वायर रूट, ये पता होना चाहिए। ये सवाल आपको आया होगा समझ में। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट यह है कि जब भी कोई मूविंग बॉडी होती है और उससे कोई पार्टिकल या कोई बॉडी डिटैच होती है, तो उसकी भी वेलोसिटी तो वही होती है, और एक्सेलरेशन उसके पास जो एक्सेलरेशन अब होगा इससे डिटैच होने के बाद, वो इसका एक्सेलरेशन नहीं होगा। अब ये तो फ्री फॉल हो गया, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा जी। ये यदि दिमाग में आ गया, और इक्वेशंस कब लगती हैं काइनामेटिक्स की ये आपको पता हो, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। थैंक यू वेरी मच।